Hello students, welcome back once again in your own YouTube channel that is ACME E-Classes. अभी तक की क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 2 के तीन लेक्चर देखे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो. फिर हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. आज की इस क्लास में हम बाकी के जो दो टॉपिक बच गए हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस और सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो दोनों टॉपिक को ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये दो के दो टॉपिक आने वाले जो दो चैप्टर है एडमिशन एंड रिटायरमेंट वहां पर भी काम आएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. प्रॉफिट एंड रिजर्व क्या होता है बच्चों? जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या करती है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट का हिस्सा बचाकर रखती रहती है. आपने भी देखा होगा आपके पेरेंट्स जो होते हैं अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचाकर उसे घर से बाहर बैंक में सेविंग के रूप में रख लेते हैं. सेविंग को ही हम रिजर्व कहते हैं. जब वो सेविंग्स जुड़ जाती है काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं रिजर्व फंड बन गया भाई हमारे पास. ऐसे बिजनेसमैन क्या करता है, फ्यूचर में अचानक से कोई उसके सामने लॉस ना आ जाए, कोई लायबिलिटी जनरेट ना हो जाए, उन सबसे बचने के लिए वो हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा के रिजर्व बना लेता है. और वो रिजर्व जब थोड़े थोड़े जुड़ते चले जाते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट हो जाती है रिजर्व बन लेते हैं. तो हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो इन रिजर्व्स का जो ये जोड़ रखे हैं तिजोरी में इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो डिस्कस करते टाइम हमें पता लगा कि चेंज इन रेशियो के केस में इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. पहला केस, व्हेन रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब रिजर्व्स को बांट लिया जाता है. बांटेंगे इसमें पार्टनर्स में, क्योंकि बनाए भी किसने थे पार्टनर्स में. जब इन्हें बांटेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो रिजर्व बटेंगे तो वो कहां चले जाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में. और जब किसी चीज का बैलेंस बढ़ जाएगा तो उसका बैलेंस मिल हो जाएगा. इसका मतलब हुआ नॉट शोन इन द बुक्स, बुक्स में शो नहीं करेंगे. और बुक्स का मतलब यहां पर क्या है, बैलेंस शीट से, क्योंकि रिजर्व के जितने भी बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो किए जाते हैं. आपको पता ही होगा रिजर्व हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, इनका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है. तो पहला केस आया व्हेन रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर नॉट शो इन द बुक्स. सेकेंड केस, व्हेन दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जब उन्हें बांटा नहीं जाएगा, नॉट ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना और शोन इन द बुक्स, बुक्स में इन्हें दिखाना है जैसे पहले दिखा रहे थे वैसे ही अभी भी बैलेंस शीट में शो करना है, यानी कि आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. तो ये दो केस हैं हमारे ट्रीटमेंट के एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के, जब उन्हें बांट लिया जाता है जब उन्हें नहीं बांटा जाता. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं पहला केस, फर्स्ट केस, व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब उन्हें बांट दिया जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और नॉट शोन इन द बुक्स, तीनों का मतलब एक ही है, नॉट शोन इन बैलेंस शीट या बुक्स. क्लियर? तो क्या होगा, सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पर कुछ आपको रिजर्व शो कर रखे हैं, लॉसेस शो कर रखे हैं, ये लायबिलिटी साइड है
यहां पर अमाउंट, यहां पर असेट्स और यहां पर अमाउंट। ये कुछ रिजर्व देखते हैं, मैं कुछ एक रिजर्व के नाम लिख रहा हूं, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। इधर भी हो सकते हैं असेट साइड में कोई फिक्टिटियस असेट्स या एक्युमुलेटेड लॉस हो सकता है, जैसे पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, कोई अदर फिक्टिटियस असेट्स, फिक्टिटियस असेट्स। और क्या हो सकता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट लिखा हमने, ये कुछ रिजर्व है हमारे, ये कुछ लॉसेज है हमारे जो एक्युमुलेटेड लॉसेज है। अब वो क्या करते हैं, ये रिजर्व जब बनाए होंगे उन्होंने पुराने टाइम में थोड़ा थोड़ा बचा के बनाए होंगे, आज टाइम आ गया जब उनका रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो क्या करते हैं इन रिजर्व को बांटना चाहते हैं, बुक्स में शो नहीं करना चाहते, बुक्स का मतलब इस बुक्स में शो नहीं करना चाहते, ये दिखा रखे हैं यहां से रिमूव करना चाहते हैं, इनको दिखाना नहीं चाहते, और इनको रिमूव करने के लिए वो क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, हमने बताया रिजर्व का बैलेंस जितना भी है वो क्रेडिट होगा, लॉसेज का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री देखें क्या एंट्री होगी, जितने भी रिजर्व है उनको डायरेक्ट काउंट कर देंगे ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। जब पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इनका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो, और पार्टनर्स को जब कोई चीज मिलेगी तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्रेडिट हो जाएगी। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी जितने भी रिजर्व है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम एंट्री करेंगे रिजर्व फंड डेबिट, जितने भी रिजर्व है उनके नाम आएंगे, पहले क्रेडिट बैलेंस तब डेबिट हो जाएगा, रिजर्व फंड डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, तीन एक्युमुलेटेड रिजर्व ट्रांसफर इन देयर ओल्ड रेशियो। इस बात का ध्यान दें, यहां पर मैं ओल्ड रेशियो मेंशन कर रहा हूं, क्लियर है, पहली एंट्री। अगर पीएनएल भी है, पीएनएल भी ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था उसे क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, क्लियर। तो पहले क्या था इनका बैलेंस, क्रेडिट था, अब हमने इनके बैलेंस को क्या कर दिया, डेबिट। तो एक बार मैं इनका मीनिंग बता देता हूं आपको, क्या होते हैं इसमें दो तरह के रिजर्व है हमारे पास, ये जो रिजर्व है ये सिंपल रिजर्व है, सिंपल, और ये जो है ये स्पेसिफिक है। रिजर्व आपने पर्सनल में पढ़ा कि रिजर्व जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक स्पेसिफिक। सिंपल रिजर्व वो होते हैं जिन्हें किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी भी उद्देश्य के लिए यूज कर सकते हो, और एक होते हैं स्पेसिफिक, जिस पर्पज के लिए उन्हें बनाया गया है उसी पर्पज के लिए आप क्या करोगे, उन्हें यूज करोगे। जैसे कि ये रिजर्व है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इनका किसी भी पर्पस के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो दो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इनका इन्वेस्टमेंट के साथ और इसका वर्कमैन के साथ रिलेशन है, तो इनको उन्हीं के पर्पज के लिए यूज करोगे, दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते।
अभी इनका ट्रीटमेंट हम डिटेल में सीखेंगे यहाँ पर। फिलहाल ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। ओल्ड रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हमने? ओल्ड रेशो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया, जब इन्हें बनाया गया होगा उस टाइम पार्टनर्स को जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो ओल्ड रेशो में हो रहा था, और जो प्रॉफिट कम मिले होंगे वो ओल्ड रेशो में ही कम मिले होंगे, इस वजह से इसको ओल्ड रेशो में ही क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है फर्स्ट एंट्री? जितने भी रिजर्व थे हमारे, हमने सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल में क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं लॉसेज की। जितने भी लॉसेज है उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? उनका डेबिट बैलेंस था, उनको भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल में। जब पार्टनर्स को लॉस मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू 50 डीएस असेट्स टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट का कोई लॉस है, टू पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर है तो, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कुछ डेबिट बैलेंसेज होते हैं, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर, कौन से रेशो में? इन ओल्ड रेशो। 50 डीएस जो असेट्स नहीं है, जिसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, उन्हें 50 डीएस असेट्स कहते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनकी पेमेंट करंट ईयर में कर दी है, फ्यूचर में इनका बेनिफिट मिलने वाला है लेकिन इनके फ्यूचर में कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट करवाई है तो उसका कुछ बैलेंस बचा हुआ है। लॉस हो गया था पिछले कुछ सालों में, वो इकट्ठा होकर काफी हो गया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे लॉसेज हैं। तो जब रेशियो चेंज होगा तो बाय डिफॉल्ट इन लॉसेज को भी पार्टनर्स की कैपिटल में या फिर करंट में, करंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल फिक्स होती है और फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या कहा जाएगा? कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ये क्या होगी? दो एंट्री हो जाएंगी जब रिजर्व्स को, जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी रिजर्व है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है किसमें? पार्टनर्स की कैपिटल में। अब जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में इन सभी रिजर्व्स की, ये जितने भी लॉस हैं, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कुछ भी शो नहीं करना फ्यूचर वाली बैलेंस शीट में। फ्यूचर वाली बैलेंस शीट में जो रेशो चेंज करने की बात बनेगी, क्योंकि इनको क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये बुक्स में शो नहीं होंगे। ये कहां हो गए हैं? ट्रांसफर हो गए हैं। इसमें कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए इनको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। क्लियर है फर्स्ट केस? किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमें, ठीक है? फर्स्ट, जितने भी रिजर्व थे उन पर ट्रांसफर कर दिया कैपिटल या करंट में। सेकंड, जितने भी लॉसेस थे उन पर ट्रांसफर कर दिया कैपिटल या लॉसेस में। इस टॉपिक को अभी हम जो स्पेशल रिजर्व है उनको भी हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, एक बार टॉपिक क्लियर करते हैं उसके बाद। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट था जब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेकंड ट्रीटमेंट, when second case, when accumulated reserve losses not distributed, उन्हें बांटा नहीं जाता, not transferred to capital account, not transferred to capital account, उन्हें कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना। शोन इन द बुक्स, उन्हें बुक्स में शो करना है। बुक्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट से, यानी जैसे वो पहले दिखाए जा रहे थे, अभी भी फ्यूचर की नई बैलेंस शीट में, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली बैलेंस शीट में ऐसे पैसा शो करना है, तो क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी पार्टनर हैं, एक सिंगल एडजस्टेड एंट्री करेंगे। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, वो क्या करते हैं? एक सिंगल एडजस्टेड एंट्री करते हैं और उसमें चेक करते हैं रिजर्व्स
प्रॉफिट ये ज्यादा है या लॉसेस ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट मीन्स रिजर्व का बैलेंस है ज्यादा, तो उनको पार्टनर्स को दे देंगे, एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं, उस रेशो में इस प्रॉफिट को, इस रिजर्व का जो सम अप आएगा, टोटल आएगा, उस प्रॉफिट रिजर्व को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो लॉसेस के केस में एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो यहां पर कैपिटल की बजाय क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। तो लॉस के केस में ये एंट्री करेंगे और गेन के केस में, प्रॉफिट के केस में ये एंट्री करेंगे। स्टेप वही, सिंगल एडजस्टमेंट करने के लिए नंबर वन, स्टेप वन क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। पहले नंबर पे क्या निकालना है आपने, सेक्रीफाइस और गेन। नंबर टू स्टेप पे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है या टोटल निकालना है, किस चीज का, रिजर्व्स का, लॉसेज का, कि लॉसेज ज्यादा है रिजर्व ज्यादा है। और स्टेप नंबर थ्री पे आपने क्या करनी है, एंट्री। ये जो हमने एंट्री डिस्कस की, या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों से एक एंट्री होगी ये तीन स्टेप करने के बाद। क्लियर? अब हम एग्जांपल के थ्रू सिंपल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, लॉसेस, उन पर ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। एग्जांपल्स की बच्चों ज्यादातर कोशिश किया करो कि आप खुद बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, खुद के एग्जांपल बनाएं और उसके बेस पर कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, और उसके बाद फिर आपको डाटा जो आपके बुक्स में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, जो भी आपके पास गैस पेपर, मॉडल गैस पेपर कुछ भी है, उनमें से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप क्लियर होंगी, ज्यादा से ज्यादा माइंड में आए, तो प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सपोज ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है, एक बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बना के, कुछ जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड कंटेंट हम इसमें लिखेंगे। इधर हमारी लायबिलिटीज दे रखी हैं, ये अमाउंट है, ये असेट्स हैं, ये हमारे को अमाउंट दे रखी है। कुछ एक हम रिजर्व ले लेते हैं सिंपल और स्पेसिफिक। पहले हम सिंपल रिजर्व ले रहे हैं, कोई भी जनरल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, स्पेशल को हम डिटेल में देखेंगे, ये 10,000 है, ये 20,000 है, इधर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 50,000 के, लॉस दे रखा है या एडवर्टीजमेंट दे रखी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 के, इधर कैपिटल्स दे रखी हैं ए बी 60,000 टोटल आ रहा है, तो कैपिटल्स में ले रहा हूं सीरीज पे 10,000 20,000, ये मेरे को कैपिटल दे रखी है, ये मेरी एक जस्ट सिंपल सी बैलेंस शीट है। कहता है ए बी तो पार्टनर है, प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उन्होंने रेशियो चेंज करके क्या कर दिया, 3:2 कर दिया। क्लियर? सिंपल, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कह रखा, कहता है डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा
तो क्या करोगे, जितने भी रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जितने भी लॉसेज हैं उनको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनके ओल्ड रेशियो में। क्लियर? बाय डिफॉल्ट इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखें सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। पहले मेथड में मेथड नंबर वन, फर्स्ट मेथड, व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब उन्हें बांट लिया जाता है, तो जितने भी रिजर्व हैं वो कहां ट्रांसफर हो रही है, पार्टनर्स की कैपिटल में। पहले कैसा बैलेंस था इनका, क्रेडिट बैलेंस था, अब इनको क्या कह जाएगा, डेबिट। तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, ये स्पेशल फंड है, इससे रिलेटेड कोई हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब हमारे को कोई लॉस नहीं है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/2, ये उनका ओल्ड रेशियो है, 10,000 20,000 टोटल हो गए 30,000, हाफ मिल गया ए को, हाफ मिल गया बी को 15,000, बीइंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जितने भी रिजर्व थे हमने उनको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स की कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में, डेट इज 1:1। रिजर्व था मेरा 10,000 का, फ्लक्चुएशन फंड था 20,000 के, और रेशियो था 1:1, तो मैंने डिपार्टमेंट को दे दिया। क्लियर है? लॉस जो है उस लॉस को भी किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो एंट्री करेंगे हम ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लॉस कितने का है, 10,000 का, तो लॉस है मेरे पास 10,000 का, किस रेशियो में बांटा मैंने, इक्वल रेशियो में, 1/2 इसको दे दिया, 1/2 इसको दे दिया, 5,000, 5,000, तो ये क्या हो गया मेरा लॉस, जो उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो उसने हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/1। क्लियर है? अब जो फ्यूचर की बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें से ये रिजर्व खत्म हो गए, ये लॉस खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे रहेंगे, कैपिटल में जो आएगा वो चेंज हो जाएगा, इसके अलावा जो उनकी बैलेंस शीट है उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहला केस था व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बांट दिया हमने, व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, व्हेन दे आर नॉट शोन इन द बुक्स, जब चीजें बट गई हैं तो बैलेंस कहीं पे भी शो नहीं होगा, पहला केस क्लियर। अब बात करते हैं इसी को सेकंड केस में, रफ कर देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए सेकंड केस। सेकंड मेथड में क्या होता, क्या करेंगे हम सेकंड मेथड में, सबसे पहले हमने कहा सेक्रीफाइस और गेन करना है, सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड मेथड। सबसे पहले नंबर पे निकाला हमने सेक्रीफाइस और गेन, ए बी ओल्ड रेशियो 1/2, बी का 1/2, तो मैंने क्या कर दिया, न्यू रेशियो इसमें से लेस कर दिया, 3/5, 2/5, एलसीएम आ गया 10, 5 - 6, इसका एलसीएम आ गया 10, 5 - 4, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, गेन लिख दिया। यहाँ पर भी क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो का, तो क्या लिखेंगे सेक्रीफाइस, तो मुझे पता लग गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिखा था, एडजस्टेड रिजर्व, जितने भी एडजस्टेड रिजर्व है टोटल एडजस्टेड रिजर्व, तो मैंने देखा इनका बैलेंस कितना है मेरे पास, जनरल रिजर्व दे रखा है मेरे को कितने का, 10,000 का, प्लस कर दिया मैंने इसमें किस चीज को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को,
20,000, तो कितना हो गया 30,000। मैंने माइनस कर दिया इसमें से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने गए थे 10,000, टोटल प्रॉफिट बच गया मेरे पास 20,000। तो मुझे इस 20,000 के लिए क्या करनी है, एडजस्टेड एंट्री। तो थर्ड नंबर पे की मैंने एंट्री, एडजस्टेड एंट्री। एडजस्टेड एंट्री में हमने बोला गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री करेंगे हम गेनिंग पार्टनर की, गेन किसको हो रहा है ए को हो रहा है और सैक्रिफाइस किसको हो रहा है बी को हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी इज कैपिटल, कितने का हुआ 1/10। रिजर्व कितने हैं 20,000 के, 20,000 सेम इसका ही 1/10 एंटर में 20,000। टोटल ए को मिल गए, ए ने दे दिए 2,000, बी को मिले 2,000 बीइंग रिजर्व एंड लॉसेस एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन रेशियो। जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको क्या कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया। अब हमने देखो रिजर्व तो कहीं लिखा ही नहीं है नाम एंट्री के अंदर, यानी कि वो बैलेंस शीट में ऐसे कैसे शो किए जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही शो करते हैं नहीं बैलेंस शीट में। सिर्फ हमने उनके लिए एक एडजस्टेड एंट्री की है, किस चीज की, जर्नल के अंदर ये एडजस्टेड एंट्री की है। तो रिजर्व का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजर्व का जो इफेक्ट था वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी बुक्स में ड्यू टू चेंज इन रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कर दिया दूसरा मेथड। क्लियर है दोनों के दोनों मेथड। अगर सेकंड मेथड में क्या है, पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे कितना बैलेंस आ रहा है, और थर्ड मेथड पे हमने क्या कर देंगे एंट्री कर देंगे। अगर प्रॉफिट आते हैं, टोटल प्रॉफिट आते हैं तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती, लॉस आ जाता, तो सैक्रिफाइसिंग पहले आ जाता, गेनिंग बाद में आ जाता, क्योंकि लॉस जो है वो सैक्रिफाइसिंग पर्सनल डेबिट टू गेनिंग। क्लियर एंड डाउट्स ओके। अब हम बात करते हैं स्पेशल रिजर्व के ट्रीटमेंट की, स्पेशल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा। दो एग्जाम्पल आए हमारे पास स्पेशल रिजर्व के, एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो वन बाय वन हम दोनों में से किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उसके बेस पर दूसरे को भी समझ जाओ। फर्स्ट हमने लिया स्पेशल रिजर्व के, स्पेशल रिजर्व जो स्पेशल पर्पज के लिए बनते हैं, तो हमने दो नाम बताए फिलहाल आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कई बार क्वेश्चन में देख होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड या सिंपल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई सेविंग फंड। तो बच्चों ये जो फंड होते हैं ये बिजनेस की लायबिलिटी होती हैं, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को, बिजनेस को, पार्टनर्स फर्म को, जो भी बिजनेस है जिस भी टाइप का, उसको इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा ये पैसा, तो इसीलिए ये फंड का पार्ट नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यार इसके पीछे फंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी रिजर्व है, ये फंड नहीं है, ये जो है एक बिजनेस की लायबिलिटी का पार्ट है। इन्हें कंपनी फर्म एट द एंड ऑफ द बिजनेस या एट द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉई, जब फर्म को छोड़ दिया जाता है एम्प्लॉई किसी भी सिचुएशन में, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी, तो उसको उसकी पेमेंट की जाएगी, इसलिए लायबिलिटी का पार्ट है, रिजर्व का पार्ट नहीं है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मीनिंग बता दिया आप लोगों को। तो फर्स्ट आया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मीनिंग बता देता हूं दोनों के आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम दूसरी कंपनीज, दूसरी फर्मों के शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस पर्पज से बनाया जाता है कि इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट के रेट कम ज्यादा होते हैं तो उस लॉस को
इस फंड में से क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। पहली बात, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, अब कंपनियां चल रही हैं, फर्म चल रही हैं, तो वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट, आग लग गई, ठीक है, मशीन में किसी एम्प्लॉय का हाथ आ गया, पैर आ गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई उसको, तो एम्प्लॉयज को कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है। उस कंपनसेट को ध्यान में रखकर कंपनी क्या करती है, फर्में क्या करती है, अपने यहां पर एक फंड बना रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी इंसिडेंट कोई भी घटित हो सकता है, घट सकता है, घटना हो सकती है कोई भी, तो उसे बचने के लिए फर्म हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा रिजर्व बचा के इन दो फंड्स को एक एम्प्लॉयज के लिए एक इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर बना देती है। तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। ये मेरी बैलेंस शीट है, एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं मैं, आप लोग कोशिश करना एब्रिविएशन यूज ना करें। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट है हमारी। इधर दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड 10,000 का, ठीक है। यहां दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट, अभी हमने बताया ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 50,000 के। सिर्फ इन दो बातों को लेंगे, पहला केस लिया, केस फर्स्ट, पहला केस, हमें फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे दिया है, नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो क्या होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनका मार्केट में भी प्राइस कितना है, 50,000 ही है, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है, और ये जो रिजर्व है इसको पार्टनर्स ने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी गोल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें बांट देंगे। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हमें यहीं पे मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं, 3:2 में ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 1:1 था, ओल्ड रेशियो, रेशियो चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने, 3:2 कर दिया, ये इनका क्या है, न्यू रेशियो है। तो पार्टनर्स में बांटेंगे यानी कि ए में बी में उनके ओल्ड रेशियो में जितना भी फंड था हम उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे 10,000 को 5,000 क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द रिजर्व, क्लियर है। सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, इफ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन दैट गिवन है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 5,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, 5,000 से कम होगी, तो क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि ये फंड किस पर्पस के लिए बनाया गया, इन्वेस्टमेंट के होने वाले कम ज्यादा रेट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया, तो इन्वेस्टमेंट के रेट क्या हो गया, 5,000 कम हो गया, तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहां पर मैं फंडिंग लिख देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिए आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। तो ये फंड जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले तो इसमें से इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ है उसको पूरा करेंगे, 10,000 का फंड था, 5,000 हमने इन्वेस्टमेंट का लॉस चार्ज कर लिया, बाकी जो बच गया उसे पार्टनर्स ने कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी पार्टनर है ए और बी उनके ओल्ड रेशियो में, क्या था उनका ओल्ड रेशियो, 1:1 2,500, क्लियर है। सेकंड केस, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो लॉस हो रहा है वो फंड की अमाउंट से कम हुआ हो रहा है, फंड की अमाउंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जितना लॉस हुआ है उसको इस फंड में से चार्ज कर लेंगे और जो सरप्लस बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, उसे पार्टनर्स कैपिटल में उनके रेशियो में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो, क्लियर। केस नंबर थर्ड, थर्ड केस करते हैं, केस
अगर लॉस जो है, लॉस या वैल्यू जो है इक्वल डिक्रीज हो रही है, इक्वल टू फंड अमाउंट, जितना फंड है उस अमाउंट तक वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पर कितने से रिड्यूस हुई थी, 5000 से। अब ये 5000 की बजाय कितना रिड्यूस हो जाए, सपोज 10000 रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा। तो हमने केस डिस्कस किया थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, जो अमाउंट रिड्यूस हो रही है वो कितनी रिड्यूस हो रही है, फंड की अमाउंट। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, खर्चा चार्ज कर लो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 10000 का फंड था और 10000 का ही क्या हो गया, हमारे को लॉस हो गया, तो बीइंग रिजर्व एडजस्टेड या रिजर्व, यहां पर आप ये लिख लो, बीइंग लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू चार्ज फ्रॉम फंड, चार्ज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्लियर है? तो कुछ बचा ही नहीं है पार्टनर्स को देने के लिए। 10000 का रिजर्व था, 10000 का रिजर्व था, 10000 का लॉस हो गया, तो पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है अभी तक के तीनों केस? अब बात करते हैं लास्ट केस की, मोस्ट इंपोर्टेंट केस की, केस नंबर 4। और हमने जो है केस नंबर 4, फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, सेकंड हमने केस किया असेट्स की वैल्यू कम हो रही है लेकिन रिजर्व के अमाउंट से कम हो रही है, थर्ड हमने केस किया असेट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है एज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और फोर्थ केस आया केस नंबर 4, जो वैल्यू डिक्रीज है मोर देन रिजर्व, मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस। और ये किसकी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बैलेंस, फंड उस फंड से ज्यादा की डिक्रीज हो रही है। सपोज यहां पर क्या है, 5000 की बजाय 15000 का क्या हो जाता, वैल्यू डिक्रीज हो जाती। पहले केस में 5000 हो रही थी, सेकंड केस में 10000 हुई, अब थर्ड केस में ले लिया हमने, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 15000। फंड में कितना बैलेंस है, 10000। लॉस कितने का हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी, 15000 से, यानी उससे 5000 ज्यादा हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, तो सिचुएशन में दो एंट्री करोगे आप। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड कितने का है, 10000 का, तो इससे ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते अपन, 10000। लॉस कितने का होगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉस हुआ आपका 15000 का। क्लियर, तो 5000 कहां लिखे, हमने कल एक केस किया था रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट, जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो आप वो वैल्यू जितनी कम हुई है वो रिवैल्यूएशन में डाल दोगे क्योंकि आपके लिए लॉस है, तो हम यहां पर यूज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस वजह से हमने पहले रिवैल्यूएशन पे टॉपिक किया था ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, भाई 15000 का लॉस हो मेरे को, उस लॉस में से 10000 का मैंने पहले सोच रखा था हो सकता है मेरे को लॉस हो जाए, तो वहां से कवर कर लिए, 5000 ज्यादा हो गए तो उसको हमने रिजर्व में डाल दिया, इस रिवैल्यूएशन में डाल दिया। क्लियर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फर्स्ट फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15000, और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल हमने डिस्कस किया था 5000 1/2 1/2 2500 2500, तो ये हमारा केस नंबर कौन सा हो गया भाई, सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया, बीइंग लॉस ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1। पहले केस में हमने क्या किया,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड एंट्री की, उससे ज्यादा था हमारा लॉस फंड से, तो उस एक्स्ट्रा लॉस को हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया और बाद में इस रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स की कैपिटल में, कौन से रेशियो में, ओके ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चार चार केस समझ आ गए होंगे। पहले केस में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखे हो तो जितना भी स्पेशल फंड है सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड केस में जितना रिजर्व है उससे कम का लॉस हो रहा है तो उतने का आप प्रोविजन बनाकर उस असेट्स की वैल्यू को कम कर दोगे, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया सेकंड केस में। थर्ड केस में इक्वल है उस अमाउंट के जितने का फंड है तो सारा का सारा चार्ज कर लोगे। और फोर्थ केस में अगर आपका फंड जो है ज्यादा है, फंड जो लॉस है फंड की अमाउंट से ज्यादा है तो उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दोगे और फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है, सेम स्पेशल रिजर्व आपका क्या हो सकता था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता था। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अभी होता है वर्कमैन से रिलेटेड होता है, तो वहां पर उस केस में जहां हमारा ये फंड आया है यहां पर क्या रहता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड आया रहता, इक्वल हो सकता था, उससे रिलेटेड कोई असेट्स तो होगी नहीं वहां पर, तो क्या करेंगे प्रोविजन बनाएंगे। वहां पर बताएगा कि एक एम्प्लॉई को हमें 10,000 देने पड़ सकते हैं तो 10,000 का प्रोविजन बना दोगे, उससे ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, उससे कम है तो जो बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, उसके इक्वल है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बस वाइंड अप कर दोगे। क्लियर है, दो के दो स्पेशल आंसर, कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। दो केस हमने डिस्कस किए, नंबर वन हमने डिस्कस किया जब उन्हें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, नंबर टू हमने डिस्कस किया कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बुक्स में ट्रांसफर नहीं करना, उन्हें बुक्स में शो करना है। तो पहले केस में हमने दो तरह के रिजर्व डिस्कस किए, जो स्पेशल होते हैं सिंपल होते हैं, सिंपल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशल के लिए हमने चार अलग अलग एंट्रीज करके देखे हैं। क्लियर, कोई डाउट? ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी मेथड से, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, फिर हम लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का। अगर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट ना करना होता तो इनको सीधा ही क्या करते, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करके वहां पर हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये बैलेंस शीट गिवन है, यहां पर दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। ठीक है, ये दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, न्यू रेशियो जो है उनका 1:1 है। पहली इंफॉर्मेशन, पहला केस, नो इंफॉर्मेशन गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। नंबर टू, सेकंड केस, हमारे को कहता है कि देर इज अ लायबिलिटी, देर इज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹5,000। सेकंड केस में कहते हैं देर इज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹10,000। और थर्ड केस में कहते हैं मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डेट इज 25,000। ये हमारे पास चार केसेस हैं, तो ये चार केसेस आपने इसी मेथड से जो हमारा बाय डिफॉल्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला या दूसरा केस में आप कर सकते हो, वहां से आप इसको सॉल्व आउट कर लें। क्लियर, ओके, क्लिक कर लें, उतार सकते हैं आप इसको नोट करके, फिर इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा, वहां पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वहां पर भी दे रखे होंगे, तो वहां पर भी आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने इस चैप्टर में चार केसेस कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, सेकंड हमने डिस्कस किया कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड हमने किया इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड फोर्थ हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। लास्ट इज फोर्थ टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ड्यू टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स कैसे की जाएगी। जब पार्टनरशिप फॉर्म में रेशियो चेंज हो जाता है तो पार्टनर डिसीजन लेते हैं कि जब हमारी असेट्स की वैल्यू दोबारा लगा लिया, जैसे उसका ट्रीटमेंट कर लिया है, न्यू रेशियो मिल गया है, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया है, तो क्यों ना अपनी नई फर्म की, नई क्यों है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फर्म नई बन चुकी है, नया एग्रीमेंट तैयार हो गया, क्यों ना हम अपनी कैपिटल्स को भी दोबारा से क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। तो सिचुएशन में फर्म की कैपिटल को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। नंबर वन, स्टेप वन, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, हर एक पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट, कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट प्लस रिजर्व्स, रिजर्व को हमने जो किया है रिजर्व या प्रॉफिट जो हमने वो दिए हैं वो, प्लस शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का भी कोई हिस्सा मिला है हमको वो ऐड कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये सारा करने के बाद जो आएगी वो क्या आ गया आपकी एडजस्टेड कैपिटल, क्लियर है। ये बैलेंस शीट में दे रखी होती है हमारे पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में जो कि मैंने वो लेंगे, उसमें हमने जितने भी रिजर्व है उनका ट्रीटमेंट जो किया है वो रिजर्व का ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे। उसके बाद जितनी भी गुडविल है पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने से की, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, वो करने के बाद जो कैपिटल आएगी पार्टनर्स की क्या भी एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप नंबर वन में हमें हर एक पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल निकाले हैं, क्लियर। नंबर टू, स्टेप सेकंड, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। न्यू फर्म कैपिटल, न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, दैट इज टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर हैं उन सब की कैपिटल को जोड़ दो, पार्टनर्स का मतलब ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स थी उन सब की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर देंगे तो वो कैपिटल किसकी आ जाएगी, नई फर्म की कैपिटल आ जाएगी, नई फर्म कैपिटल। फर्म में तीन पार्टनर है, चार पार्टनर है, पांच पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है सबकी कैपिटल को जोड़ दो तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की, ठीक है। नंबर थ्री, स्टेप थर्ड, शेयर ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फर्म कैपिटल एज पर न्यू रेशियो। स्टेप नंबर थ्री में हमने क्या करना है, जो ये नई फर्म की कैपिटल आई है इसको पार्टनर्स के न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ए का शेयर निकाल देंगे, फिर बी का शेयर निकाल देंगे, फिर सी का निकाल देंगे, उनके न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे उनकी हिस्सा निकाल लेंगे कैपिटल का, नई फर्म कैपिटल का हिस्सा लिया। और फोर्थ नंबर पे हम निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सरप्लस या फिर डेफिसिट, रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकालना है, ये रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल। पार्टनर्स की रिक्वायर्ड कैपिटल कौन सी है, स्टेप थ्री हमने स्टेप सेकंड इसमें निकाल लिया है, स्टेप थर्ड में, और एडजस्टिंग कैपिटल कौन सी है, स्टेप वन में। स्टेप थ्री में जो कैपिटल आई उसमें से स्टेप वन वाली कैपिटल निकाल दो,
अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है तो इसका मतलब उन्हीं की कमी क्या है, डेफिशिट है, उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा, और अगर एग्जिस्टिंग ज्यादा है तो उनकी सरप्लस है वो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 5 जो लास्ट स्टेप है हम करेंगे एंट्री, जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 5 जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर कैपिटल कम है तो वो पैसा ले आएंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट, अगर वो कहते हैं करंट अकाउंट में डाल दो तो करंट अकाउंट में डेबिट, पार्टनर्स का अगर कैपिटल फिक्स है करंट अकाउंट में डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग डेफिशिएंसी ब्रिंग इन कैश ब्रिंग बाय पार्टनर, कैश लाया है या जो भी वो लिख देंगे हम देखे, अगर उनकी कैपिटल ज्यादा है तो वो निकाल लेंगे, तो फिर हम एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश में निकालते हैं कैश, बैंक से निकालते हैं बैंक, और करंट में एडजस्ट करते हैं तो करंट अकाउंट बीइंग सरप्लस विड्रॉ बाय पार्टनर, सरप्लस अमाउंट को पार्टनर ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। क्लियर है, तो ये 5 एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं उसके बेस पे हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जांपल, ये दो पार्टनर हैं ए और बी, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, ओल्ड रेशियो है, 1 अप्रैल से उन्होंने क्या किया, रेशियो चेंज कर दिया, और रेशियो को चेंज करके क्या कर दिया, 1:1 कर दिया, ये क्या आ गया था, न्यू रेशियो। 1 अप्रैल को एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल ए की और बी की, एडजस्टेड कैपिटल ए की दे रखी है 15,000 और बी की दे रखी है 10,000। क्लियर, एडजस्टिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल में जो रिजर्व है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, ये सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, एडलेस कर दिया है हमने, सिर्फ एडजस्टमेंट करना होती है, तो वो सारा करने के बाद इनकी एडजस्टिंग कैपिटल ये दे रखी है, वो कहते हैं डू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर द न्यू रेशियो। तो कैसे करेंगे वो देखिए आप, सबसे पहले हमने निकाला एडजस्टिंग कैपिटल गिवन है, स्टेप नंबर 2 में हमने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म सेकंड नंबर, पहले नंबर पे हमारे को गिवन है एडजस्टेड कैपिटल, तो ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 10,000, टोटल कैपिटल आ गई 25,000। नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 25,000। जरूरी नहीं है कि एडजस्टेड कैपिटल का ही टोटल हो, हो सकता है क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि नई फर्म की कैपिटल जो है 1,00,000 होगी, नई फर्म की कैपिटल 5,00,000 रुपए होगी, तो वहां पर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो दे रखी होगी वही अमाउंट हम लिख लेंगे। क्लियर, नंबर 3 शेयर ऑफ एज कैपिटल इन न्यू होम, ए का हिस्सा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू में 25,000 12,500, बी का शेयर 1/2 इंटू में 25,000 12,500, ये दोनों की कैपिटल आ गई। 4th नंबर पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ए की कैपिटल बी की, रिक्वायर्ड कैपिटल देखें, रिक्वायर्ड कितनी है, ए को चाहिए 12,500, बी को चाहिए 12,500, लेस कर दिया इसमें से एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल, एग्जिस्टिंग कितनी है, ए की 15,000, बी की 10,000, ए को नई फर्म में 12,500 चाहिए,
और है कितना उसके पास 15,000, तो 2500 क्या है उसके पास सरप्लस है, ज्यादा है उसके फर्म में। बी को नई फर्म में 12,500 चाहिए और लगा कितने रखे हैं आज के डेट में उसके 10,000, तो 2500 की क्या है डेफिसिट है, कमी है। तो जिसकी कमी होगी वो ले आएगा, जिसका सरप्लस होगा वो निकाल लेगा। तो एंट्री क्या करेंगे हम, नंबर 5 स्टेप पे एंट्री, पहला जिसकी सरप्लस है वो क्या कर लेगा निकाल लेगा। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना निकाला उसने 2500। बी सरप्लस विड्रॉ, ओके बी की डेफिसिट है तो वो ले आएगा, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 2500। तीन डेफिशिएंसी ब्रिंग बाय ब्रॉड बाय बी इन कैश, क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में 5 जो केसेस हैं, 5 ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस किए ड्यू टू चेंज इन रेशियो। नंबर 1 पे हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू चेंज इन रेशियो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ गेन। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन रेशियो। नंबर 3 पे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 4 आज हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस, एंड लास्ट हमने 5th नंबर पे डिस्कस किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लियर है। तो ये 5 टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में आए, हमने 1 by 1 करके इनको डिस्कस किया। ये 5 के 5 टॉपिक जो नेक्स्ट 3rd chapter, 4th chapter एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पर भी यूज होंगे। जो टॉपिक जिस बच्चे ने अगर यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा तो उन चैप्टर्स में उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, काफी ज्यादा इनका यूटिलाइज होगा। इन्हीं चीजों में, इन्हीं मेथड्स में, टेक्निक्स में थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा मैं आप सभी से कि आपने हमारी आज की वीडियो को, आज के लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। आपसे यही आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ओके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल्स को देखते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी acme.eclasses@gmail.com पे, हमारे यूट्यूब चैनल acme.eclasses पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।